हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनएसके मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्लासेस में। आज का टॉपिक है स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, एसेप्सिस एंड डिकंटामिनेशन, ये चार अलग अलग तरह के स्टेजेस होती हैं जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर सकते हैं और उसे ख़त्म कर सकते हैं मटेरियल से या फिर किसी भी बॉडी सर्फेसिस से। स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, साथ ही साथ उसमें जो स्पोर्स होते हैं, वाइबल स्पोर्स, उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल कर सकते हैं किसी भी बॉडी सर्फेसेस से या फिर मीडियम से। स्टरलाइजेशन टेक्निक दो फिजिकल मेथड से भी होता है और केमिकल मेथड से भी होता है। इसमें हम लोग 10 लाख कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स स्पोर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इस टेक्निक से। नेक्स्ट है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन स्टरलाइजेशन से डिफरेंट होता है, अलग होता है। इसमें स्टरलाइजेशन में स्पोर्स को किल कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं, बस डिसइंफेक्टिंग टेक्निक से हम लोग बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय, जितने भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं और जितने भी बैक्टीरियल स्पोर्स जिसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग किल नहीं कर सकते इस टेक्निक से, डिसइंफेक्शन से। डिसइंफेक्शन से सिर्फ हम बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक सकते हैं, मतलब जितने भी मोस्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं उसकी संख्या को सिर्फ हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, घटा सकते हैं, पूरी तरह से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल नहीं कर सकते डिसइंफेक्शन टेक्निक से। 10,000 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय होते हैं लेकिन स्पोर्स नहीं होते हैं। इसका अचीवमेंट ये है कि यह डिसइंफेक्शन फिजिकल मेथड से भी होता है और केमिकल मेथड से भी होता है। इसमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स आते हैं जो इनएनिमिनेट होते हैं, इनएनिमिनेट मतलब ये लिविंग नहीं होंगे, नॉन लिविंग होंगे, और नॉन लिविंग बॉडी सर्फेसिस पे जो होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इस टेक्निक से हम उसको किल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसेप्सिस। एसेप्सिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें केमिकल एजेंट का यूज़ करते हैं, केमिकल एजेंट को बॉडी सरफेस पे अप्लाई करते हैं, जैसे स्किन हो गया, वहाँ पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो भी हैं उनको किल्ड कर सकते हैं एसेप्सिस टेक्निक से। इसमें जनरली जो भी केमिकल हम लोग यूज़ करते हैं वो टॉक्सिक नहीं होता है, मतलब कि हमें हार्म नहीं कर सकता, हमारी स्किन को हार्म नहीं कर सकता। इसमें डिसइंफेक्टेंट एज ए मस्ट नॉट हार्म द होस्ट टिश्यू, ये भी बिल्कुल उसी तरह से होता है, जैसे डिसइंफेक्टेंट हार्म नहीं कर सकता होस्ट टिश्यू को, वैसे ही एसेप्सिस जो टेक्निक है या एसेप्सिस है वो हमारी बॉडी को हार्म नहीं कर सकता, स्किन को। डिकंटामिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जिसमें जो भी कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे माइक्रोबियल माइक्रोब्स हो गए, केमिकल रेडियो एक्टिव या बायो हजार्ड्स हो गए, तो उसको हम लोग वो उस पर जो कंटामिनेशन होता है उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए एक टेक्निक होती है यूज़ करते हैं, उसको डिकंटामिनेशन बोलते हैं। डिकंटामिनेशन में 1 लाख CFO माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं लेकिन स्पोर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। टू इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लास्ट में साइट होता है, CID साइट सफिक्स होता है, मीन्स जैसे जर्मी साइट, बैक्टीरियल साइट, जहाँ पे साइट वर्ड यूज़ होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल्ड होता है, और जहाँ पे स्टैटिक वर्ड यूज़ होता है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल नहीं किया जाता, वहाँ पे सिर्फ बैक्टीरियल ग्रोथ को रोका जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।